बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कुरान कलेक्शन के लिए भटंडी मोर हाशमी मस्जिद में आए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हमने बोरी कलेक्ट की है ज़हीर कुरानों की, और ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे अल्लाह और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो वो हम मस्जिदों से कलेक्ट करते हैं। मस्जिदों में हमने बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लगाई हुई हैं, जैसे कि हमें काफ़ी सालों से, और काफ़ी अभी एक आज नई ताज़ी एक वीडियो आई है जिसमें देखा गया है कि अकाउंट्स की बुक के पीछे जब आप जिल्द का कवर फाड़ो तो वहाँ पे दीनी, वहाँ पे अल्लाह और उसके नबी का नाम, और आप कह सकते हो कि दीनी किताबों को रिसाइकल करके जो बनाई जाती हैं कॉपियाँ या कैलेंडर या जो भी चीज़ें, वो आज एक वीडियो हमने व्हाट्सएप पे देखी जो हमें लिखी, तो उसी के सिलसिले में ये हमने कोई 2015 से हमने ये एक मुहिम शुरू की है कि जहाँ पे भी हमको मस्जिद दिखती है वहाँ बाल्टी लगा देते हैं, और जो मोहल्ले वाले होते हैं, इमाम साहब होते हैं, उनको कहते हैं कि मोहल्ले वालों में जुमा के दिन ऐलान कर दें कि आपने अपने घर में जितने भी ज़हीफ कुरान है या और दीनी किताबें हैं उनको ला के आपने बाल्टी में डालना है, और वो फिर हम महीने या दो महीने के बाद जैसी बाल्टी भरती है, चाहे वो दो दिन में भरें या दो महीने के बाद, उसको हम सपोर्ट खाक करते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि ऐसा आप लोग शुरू करें, अपनी मस्जिद में अपनी मस्जिदों की जिम्मेवारी ले लें, ताकि कुरान, अगर आपको बाल्टी चाहिए है तो हम बाल्टियाँ भी मुहैया करा सकते हैं, नहीं तो आप में से कोई जिम्मेवारी ले लें ताकि कुरान जो है जो इस्तेमाल में नहीं आता है, और बाकी दीनी किताबें, कैलेंडर और जो गाड़ियों में स्टिकर्स लगते हैं जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो वो आप जमा करें, मस्जिद में बाल्टियाँ लगाएं, घरों में लगाएं, जैसे भी हो सके। वो रद्दी खाने तक नहीं जाना चाहिए, या फैक्ट्रियों तक, रद्दी खाने जाता है तो फैक्ट्री वालों को वो बेचते हैं और उसको वो रिसाइकल करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल यही होता है कि गैर को क्या पता कि कुरान क्या है, हदीम क्या है, दीन इस्लाम क्या है, फिर वो उसको रिसाइकल करता है, उसकी किताबें बनाता है और वगैरह। तो आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा ना होने दें, बाल्टियाँ लगाएं, टीम बनाएं, और कुरान को जो ज़हीर कुरान है उसको सपोर्ट खास करने में मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, आप इन हज़रात की तकरीर को भी सुन चुके होंगे, एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये हम कुरान कलेक्शन का काम करते हैं, ये 2015 से हमने शुरू किया है, जब हमें कुरान की बहुरमती नज़र आने लगी, नालियों के अंदर हमें कुरान की आयतें नज़र आईं, किताबों पे हमें कुरान की आयतें नज़र आईं, नीचे गिरी हुई। अल्लाह के वास्ते डर जाना चाहिए अब हमें अल्लाह से कि अल्लाह का गज़ब कहीं नाजिल ना हो जाए। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम हर मस्जिद के अंदर ये बाल्टी रखें ताकि आसपास के पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो आएं, और जितने ज़ईफ कुरान हो वहाँ जमा करके जाएं और मस्जिद से उठा के हम लोग ले जाएं। मेरे भाइयों, ये कुरान की मेहनत इंशाल्लाह आखिरत में आपको ज़रूर इसका अजर मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।